आज तक सेलिब्रेट कर रहा है एक ऐसा मुकाम जो डॉक्टर्स ने अचीव किया है, एंड वी आर एक्चुअली सल्यूटिंग देम, क्योंकि वो नहीं होती तो पेंडेमिक में और भी ज़्यादा तकलीफें होती, और उन लोगों ने जिस तरह से हम सबकी मदद की है, उनकी ड्यूटी निभाई है, तो उन्हें सलाम करना तो डेफिनेटली बनता है। और हमारे साथ यहाँ पे उन्हें एंटरटेन करने के लिए एंटरटेनर्स हैं, सो सबसे पहले तो सुनील जी, और ये जो खूबसूरत बला है, इनका इंट्रोडक्शन तो आप ही को देना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि जिनके टैलेंट में बहुत दम था और जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम था, ऐसी महान हस्ती का नाम है द वन एंड ओनली ममता, जिनके आने से माहौल जमता और हमारे अंदर आती है समता। क्या बात है, नमता। और ये है नन अदर देन ममता। सो आपको मतलब फेवी कॉल से तो ऐसा चिपक गया ना सबसे कि वो कहीं जा ही नहीं सकता, एंड यहाँ पे किस तरह तड़का लगने वाला है आपकी परफॉर्मेंस का? बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि एक तो ये हम सबको थैंक्स बोलने के लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये तहे दिल से हम उनको शुक्रिया, क्योंकि वी आर एंटरटेनर्स, दिस इज़ आवर ड्यूटी टू एंटरटेन पीपल। और जब जो लोग इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और न्यू ईयर भी हमारे साथ है, क्रिसमस आने वाली है, सो आई वुड लव कि लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, दिल खोल के भूल जाए अपने सारे गमों को और एकदम मस्ती में धमाल करें हमारे साथ। आपके सुर में तो सब खोने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कोई और भी है जो अपने अलग ही सुर निकालने वाला है। देखिए, एक बॉस जो है कंपनी का बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ घूम रहा था हाथ में हाथ डाल के। हाँ। बॉस राइट में था, बिकॉज बॉस इज ऑलवेज राइट, और सेक्रेटरी लेफ्ट में थी। सेक्रेटरी लेफ्ट में थी, अदरवाइज शी लेफ्ट द जॉब। चली जा रहे थे तो बॉस के एक दोस्त ने देख लिया, सामने आ गया सीधा, बोली बॉस ये कौन है, कौन है वाइफ? तो बॉस हमारा टाइप, हाउस वाइफ? नो ऑफिशियल वाइफ। अपनी लाइन की है? नहीं आउटलाइन की है। वो बॉस का तो इतना कमीना था, भाभी को फ़ोन कर दिया, बॉस की बीवी को, भाभी बॉस ये वो। अब बॉस की बीवी ने फ़ोन किया, बॉस घबरा गया, फ़ोन रखते ही लड़की ने पूछा सेक्रेटरी ने, सर क्या हुआ आपका चेहरा लाल पीला क्यों पड़ गया? तो ममता जी के गाने में कहता वो, झगड़ा वो करेगी पिटेगी जोर जोर से, वो आह की आवाज आएगी हर ओर से, तुझको नहीं है खबर मुझे दिख रही कब्र, वो खुदा ही मुझे अब बचाए उससे रे। सर एग्जैक्टली क्या होगा? मेरे फोटो पे चढ़ेगा, लगता है मुझे बीवी कॉल से, घर में बेलन है रेडी तैयार। ये इन्होंने कई मुनियों को बदनाम किया है। ओह माय गॉश, ये वाला वर्जन मैंने मतलब वियर्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था, सोच ही नहीं सकती हूँ मैं ये वाला वर्जन। 20 साल की बेचारी बुढ़िया, गलती से उसका नाम मुन्नी था, उसका एड्रेस ढूंढ रही ममता का, किधर है ममता तू किधर है, जवानी में थोड़ा बदनाम क्या हो गई, तू बुढ़ापे में मुझे बदनाम कर रही है। अच्छा, उनका नाम मुन्नी था। अब तो मेरी पोल खोल रही है, मुझे लगता है सारी अनारकली मुन्नी पिंकी सब मुझे ढूंढ रहे हैं। तू प्लेबैक सिंगर से आज तक से? मैं आज तक से हूँ, आज टुडे। यहाँ पे जितनी भी मुन्निया पिंकी एंड ऑल दिस अनारकली एंड ऑल एज यू सेड, सब आज किसको जाने वाली है हमारे साथ, क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं 31 दिसंबर विद ऑल ऑफ यू, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ ही में नए साल का सबसे अच्छा बात ये है कि हम कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट दे रहे हैं हमारे सारे डॉक्टर्स और नर्सेज को बॉम्बे हॉस्पिटल के साथ, जिन्होंने इस पेंडेमिक में कमाल किया है। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर कोरोना वॉरियर्स। और हम सब कलाकारों की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना और दूसरी बीमारी से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप हो इस धरती के लाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं ममता और सुनील पाल। लव यू ऑल। शायर हो चुके सुनील जी, अब तो गीत निकालो, अब तो ये YouTube पर इतना छाई हुई है कि हर दिन के एक से बढ़कर गीत, और मिलियन से कम तो बात ही नहीं करती। अरे बापरे, कुछ भी। देखो आपने जब से इनके सब्सक्राइबर्स हुए मिलियंस, तब से मिले नहीं हम। तो देखिए, आपने तो इनके गाने पे गुनगुना दी अपनी लाइन, बट आपसे भी हम एक गाना सुनना चाहते हैं। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, देख के तुझको मुझको मची रे खलबली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। फिलहाल तो
तो ये जोड़ी चली है अंदर क्योंकि वहां पे वेट कर रहे हैं आपके लाइव परफॉर्मेंस का. तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. ऑल द बेस्ट डीएसपी. डीएसपी मतलब डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी और पुलिस. लव यू ऑल. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी. नेक्स्ट ईयर हैप्पी न्यू ईयर इसलिए भी क्योंकि अपने को नया ईयर लेना पड़ेगा. दोनों कान मास्क लगा के खराब हो गए. हैप्पी न्यू ईयर और नए साल में हम नई हवा में सांस लेंगे. हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो. सो ऑल द बेस्ट. हैप्पी न्यू ईयर.